देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेना और वायुसेना के सेंटर पर इस तरह से ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। साजिश बेशक सरहद पार में रची गई, पर इसे अमल में लाने वाले लोग सरहद के इस पार ही छुपे हुए हैं और ऐसे लोगों की तलाश जोरों शोर से जारी है। बाकायदा सेना और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू के आसमान में जिस तरह से आतंकियों के ड्रोन ने हवाई घुसपैठ करने की कोशिश की है, उससे साफ है कि सीमा पार से आने वाले आतंकी खतरे को रोकने के लिए ऊंची दीवारें, कंटीले तार और सेना की चौकियां अब नाकाफी हैं। उड़ता आतंक का भारत के लिए नई चुनौती बनकर सामने आया है। शनिवार की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर दो ड्रोन के जरिए दो धमाके किए गए। रविवार को रतनुचक और कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। सोमवार की रात सेना के दो अलग अलग कैंप के पास तीन बार ड्रोन मंडराते नजर आए। पहली बार रतनुचक के पास रात 1:08 पर ड्रोन दिखाई दिया, दूसरी बार सुबह 3:09 पर 7.5 किलोमीटर दूर कुंजवानी में ड्रोन देखा गया। सुबह 4:19 पर फिर कुंजवानी कैंप के ऊपर ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। पिछली कुछ रातों से सैन्य ठिकानों के ऊपर 5 ड्रोन मंडराते हुए देखे गए। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वायुसेना और सेना के सेंटर पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन ऑपरेट कर रहा था ड्रोन्स को, कहां से आए वो ड्रोन्स और कहां लापता हो गए। हालांकि ये साफ हो चुका है कि ड्रोन साजिश को भले ही सीमा पार पाकिस्तान से रचा गया हो, लेकिन उसके हैंडलर सीमा के अंदर ही मौजूद है जिसने इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया। सवाल उठता है कि आखिर आतंक के इस नए मॉड्यूल को कब और कैसे पूरी तरह से धराशायी किया जाएगा। जम्मू का एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि ऐसे ड्रोन आज की तारीख में मौजूद हैं जो ठीक ठाक भार के साथ 20 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए ड्रोन अटैक का खतरा कितना बड़ा है। जो आईडी ब्लास्ट हुआ है जैसा हम समझ पा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने वो टाइम बेस्ड उसको ट्रिगर करवाया है, उसको ड्रॉप किया है, ड्रोन अपना वापस चला गया है और वापस करने के बाद उसको उसने ड्रॉप किया है, जो कि वो 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वो पूरा प्री प्लान टाइम बेस्ड होता है, पूरा फुल ऑटोमेटेड होता है वो। अब उसमें यह भी हो सकता है कि सपोज करिए कि आपने ड्रोन को फ्लाई किया, उसको भेजा, लेकिन वो टाइम पे वहां पर नहीं पहुंच पाया, तो वो ड्रोन अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि आईडी जो होती है उसमें ऑलरेडी टाइमर लगा होता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ड्रोन आतंक के खतरे को तमाम देशों के सामने रखा है। आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए ड्रोन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल को लेकर भारत ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। ड्रोन धमाके की जांच में एनएसजी के बाद अब एनआईए भी जुट चुकी है। पूरी साजिश को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक की है। आज तक ब्यूरो।